साथियों, आपने लोकसभा चुनाव में बड़े बड़ों का अहंकार मिट्टी में मिला दिया। जिनको भ्रम था कि सोनीपत, रोहतक, जींद समेत इस पूरे क्षेत्र के मालिक है, उनको आप सभी ने, जनता जनार्दन ने अपना फैसला सुना दिया। सार्वजनिक जीवन में जीने वालों के लिए हरियाणा की जनता ने बहुत बड़ा सबक सुनाया है। जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। लेकिन जो जनता जनार्दन को ईश्वर न मानते हुए खुद को ही शहंशाह मानने लग जाते हैं, अहंकार सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, तो उनका वही हाल होता है जो हरियाणा की जनता ने लोकसभा के चुनाव में करके दिखाया है। जिन्होंने यहां की शांत, समर्थ और संकल्पशील बिरादरी में बंटवारे का जहर घोलने का प्रयास किया, उनको आपने सबक सिखा दिया। आपने बता दिया कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, उसकी इच्छा ही सबसे ऊपर होती है। साथियों, हरियाणा के सोनीपत के संस्कार ऐसे ही बने। इस मिट्टी में ही सद्भाव है, इस मिट्टी में ही सदाचार की सीख है। सोनीपत का तो मतलब ही है किसान, जवान और पहलवान। सोनीपत की इस स्त्री शक्ति को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के, कदम से कदम मिलाकर के, कंधे से कंधा मिलाकर के आपके सपनों को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश की है। और अगले 5 वर्ष में इसी त्रिशक्ति के दम पर हमने एक सशक्त हरियाणा, सशक्त हिंदुस्तान बनाने का संकल्प लिया है।